जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, आप लोग सोच रहे हैं ABCD क्या लिख दिए हैं, तो ये याद करना जरूरी है, अल्फाबेट के नंबर याद करें। जैसे हम पूछ लिए आपसे टी किस नंबर पे है, तो टी मतलब 20 मतलब 20। और आपसे पूछ लिया जाए आर किस नंबर पे, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, आर मतलब 18। आइए इसको हम लोग इसको अल्फाबेट नंबर पे लिख लेते हैं, कौन किस नंबर पे है। ए एक नंबर पे है, बी दो नंबर पे है, सी तीन नंबर पे है, डी चार नंबर पे है, ई पाँच नंबर पे है, एफ छः नंबर पे है, जी सात नंबर पे है, एच आठ नंबर पे है, आई मतलब 9 मतलब 9 नंबर पे है, जे मतलब 10 नंबर, के देखिए दो निकला है 11 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है, ये 13 नंबर पे है और ये 14 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, आर 18, यस 19, टी 20, यू 21 नंबर पे है और वी 22 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे है और एक्स 24 नंबर पे है और वाई 25 नंबर पे और जेड 26 नंबर का है। ठीक है, और आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये इजोटी काहे लिख दिए हैं। इजोटी इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने में आसानी हो जाए। देखिए ई मतलब देखिए पाँच पाँच इसमें गया है, 5 5 10, 5 15 5 20 ऐसे गया ना, इजोटी से आप याद कर लेंगे। ई बराबर 5, जे बराबर 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। इससे आप लोग आसानी हो जाए। देखिए इसको पकड़ लीजिए, 5 10 और ये 15, टी 20 और ये 25। ये देखिए इसके बाद जे के बाद क्या आएगा 11, उसके बाद ये आएगा 12। आप ऐसे करके आप इसको कोड कर सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका कोड किया हुआ है, अगर U के बाद O के बाद U आ रहा है तो I के बाद क्या आएगा, देख लेते हैं। O 15 है, U 21 है, प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। आइए इसमें भी कर देते हैं, I बराबर 9, प्लस कितना हो करेंगे, क्योंकि इसमें 6 हुआ तो इसमें 6 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 15। आइए इसको कोड कर लेते हैं, P 16, A 1, W 23, A 1, यन 14। आइए इसको कोड कर लेते हैं, क्यू 17, बी 2, एक्स 24, बी 2, ओ 15। आइए इन सब का गैप देख लेते हैं, तो कितना है इसमें, इन सब का गैप ये देखिए, ए प्लस 1 हो रहा है यहाँ, फिर यहाँ से प्लस 1 हो रहा है, फिर यहाँ से प्लस 1 हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए प्लस 1 हो रहा है और ये भी प्लस 1 ही हो रहा है। आइए तो हम भी इसको प्लस 1 करके देख लेते हैं, इसको पहले कोड कर लेते हैं, जे बराबर 15, ए 1, एम 13, ए यू है, यू बराबर 22, एन 14। आइए इन सब का प्लस 1 कर लेते हैं, सब में प्लस 1 कर लेंगे, प्लस 1 सब में प्लस 1 करने के बाद आ जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आइए इसका कोड देख लेते हैं, जे 10 था, जे के बाद पी आएगा, पी का कोड 16, ए 1 था तो बी का कोड क्या था, 2 का कोड क्या था, बी, और 14 का क्या था, हमने क्या बताया था, के एल एम, एम 13, एन 14, तो एन क्या है 14, और ये 23 क्या था, डब्लू था, और 15 इजोटी हमने बताया था, ओ क्या था, 15 था, ओ 15, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर 15 था, ये ओ था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो रोड को दिया है, अगर रोड का कोडिंग करने के बाद यू आर डी जी आ रहा है तो सामान को कोड करने के बाद क्या आएगा। आइए इसको हम ब्लॉक पहले समझते हैं, आर बराबर 18, ओ बराबर 15, ए का कोड होगा 1, डी का 4 हो जाएगा,
और यू का क्या हो जाएगा 21, आर का 18 हो जाएगा, डी का 4, जी का 7। और देख लेते हैं कितना कितना ज़्यादा कम है, 18 3 21 प्लस तीन 15 3 18, 1 प्लस 3 प्लस 3 4 हो जाएगा, और 4 3 7। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि सब में 3 जुड़ रहा है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पहले कोट कर लेते हैं। यस 19, ए 1, डब्लू 23, ए 1, एन 14। आइए सबको प्लस 3 कर लेते हैं। इसको प्लस 3 करने के बाद प्लस तीन मतलब धन तीन। ये देखिए 19 3 22 हो जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 23 3 26 हो जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, एन में 3 जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा। इसको कोट कर लेंगे हम लोग, तो 22 बराबर V, डी बराबर 4 बराबर D, 26 Z, 4 D, 17 Q। आइए इसको देख लेते हैं, आर्ग्यू का कोड दिया हुआ है YPESC, तो डायग्राम का कोड क्या होगा इसको देख लेते हैं। A बराबर 1, R 18, G 7, U 21, E 5, इसको Y 25, P 16, E 5, S 19, C 3। देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखिए -2 हो रहा है, -2 सब में -2 हो रहा है। आइए इसको भी माइनस कर लेंगे, माइनस करने से पर इसको हम लोग कोट कर लेंगे, कौन क्या है, D 4 I 9, A 1, G 7, R 18, A 9, M 13। तो सब में माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा डायरेक्ट माइनस कर ले रहे हैं, तो 2 बचेगा, इस 9 में से 2 गए 7, 1 में से 2, तो इसमें से 1 माइनस होगा तो आप 26 वाले में पहुंच जाएंगे, मतलब कि 25 बचेगा। 7 में से 2 गए 5, 18 में से 2 गए 16, 19 में से 2 गए 7, सॉरी 9 में से 2 गए 7, 13 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आइए इसको हम लोग सब आइए सब कोट कर लेते हैं। इसको 2 का क्या था, B था, 7 का G था, 25 Y, 5 E, 16 P 16 S का G, 11 का K। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब करना आप लोग हाथ में है, करिए, अगर पसंद आया तो कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।